ये दंगाई नारेबाजी सर, आपको हिंदुओं का हाल नहीं पता? आप फर्जी हिंदू, आप फर्जी हिंदू है तो निर्दोष जेल जाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ पिंकी चौधरी, और आपसे आपसे मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हिंदू हूँ, तो हिंदू कार्ड मत खेलिए यहाँ पे। अब जैसे लोगों की बेटियां होंगी, जगह जेल में है, थाने में है, 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर विवादित नारे लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इस मुद्दे पर मीडिया ने मुख्य आरोपी से डिबेट में सवाल किए। आज की इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर हुई डिबेट की करेंगे। जी न्यूज पर जंतर मंतर पर विवादित नारों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में मुख्य संदिग्ध पिंकी चौधरी से बात की। जब पिंकी चौधरी ने एंकर से बात करते हुए विवादित बातें करनी शुरू की तो एंकर पिंकी चौधरी पर भड़क उठे। आप दिखाते हैं ना केरल में घरों, हिंदू के घरों को देख करके फूंका जा रहा है। हाँ, तो आप उनके, तो आप में और उनमें आप कोई फर्क नहीं है ना भाई? फंडामेंटलिस्ट हर धर्म में है ना, आप उनमें से। हमने किसी का, हमने कट्टरवादी आप भी हैं भाई, वहाँ भी है तो यहाँ पर भी आप जैसी कट्टर सोच है। इस वजह से तो, इस वजह से तो जय श्री राम और हिंदू और भगा बदनाम होता है आप जैसे लोगों की वजह से। नारेबाजी सुनी आपने? ये दंगाई नारेबाजी, ये दंगाई नारेबाजी सर, आपको हिंदुओं का हाल नहीं पता? आप फर्जी हिंदू, आप फर्जी हिंदू, आपको भगवा हिंसक होता सर, ये भगवा हिंदू, हिंदुत्व छोड़ दीजिए, जितना सहिष्णु धर्म हिंदू है ना उतना आपको हिंदू का हाल नहीं पता? आप पाकिस्तान में आज हिंदू की क्या स्थिति है? नहीं नहीं, आप दिखाएं ना इस चीज को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क है ना चौधरी जी? दिमाग से पैदल है क्या? दिमाग से पैदल है क्या? बताइए, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे आप लोग? बेवकूफ है आप लोग, भगवान को बदनाम करते हैं आप लोग। आप जैसे चंद जयचंद है हिंदू धर्म में। इस डिबेट में एंकर ने बात पिंकी चौधरी से की। जब पिंकी चौधरी नारे लगाने वालों को बचाने की कोशिश करने लगे तो एंकर ने ऐसा करने से रोक दिया और अपने सवालों में घेरा, जिसका वे ठीक से जवाब न दे पाए। जो आदमी दिख रहा है जहर उगलता हुआ, जो मैं तो वो नारा नहीं पूरा दिखा सकता, ना मैं अभी बोल सकता, आप जानते हैं क्या था वो, सब जानते हैं, सुना सबने है। तो वो नारा जो आदमी साफ साफ लगाता दिख रहा है, उसको नहीं पकड़ेगी पुलिस? ये तो ओवैसी की प्लानिंग है मेरे हिसाब से, मैं समझ रहा हूँ। जो आदमी 15 मिनट में कहता है कि पुलिस को हटा दो, सबको काट देंगे, ओवैसी का हिसाब अलग है। पहले तो अभी इस मुद्दे पर रहे ना, आपने कहा बच्चे हैं, बालक हैं, मुसलमान हैं तो इसलिए करेंगे ना, ना, हम लोग हिंदू हैं तो निर्दोष जेल जाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ पिंकी चौधरी, और आपसे आपसे मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हिंदू हूँ, तो हिंदू कार्ड मत खेलिए यहाँ पे। आप कह रहे हैं बालक है बच्चे, बालक है बच्चे हैं तो गले काटने की बात करेंगे? बालक है बच्चे हैं तो काटने की बात करेंगे? नहीं नहीं, गला काटने की किसी ने बात नहीं करी। क्या था नारा? कह रहे हैं क्या था नारा? ये नारा क्या था बताइए, हिम्मत है तो बोलिए टीवी पे भी, और बोलिए कि आपके आपके लड़कों ने लगवाया नारा। नहीं नहीं, हमारे देखिए सुनिए, वहाँ जो भी आए थे हमारे आह्वान पर आए थे, हम लोग उसे डिलाई नहीं कर सकते। एबीपी न्यूज पर जंतर मंतर पर विवादित नारों के मुद्दे पर पिंकी चौधरी से बात की गई। इस बार भी एंकर तीखे लहजे में पिंकी चौधरी से सवाल करता नजर आया। पिंकी चौधरी बात को गोल गोल घुमाने लगे, और तो और एंकर के एक सवाल पर पिंकी चौधरी डिबेट बीच में ही छोड़कर चले गए। अगर आपने ऐसा किया है जो वीडियो में दिख रहा है, आपके 6 साथी पुलिस ने खामखा तो नहीं उठाए? आप कहिए तो पुलिस ने आपके साथ ही बेवजह उठा लिए? अगर आपका कोई फोटोग्राफर कोई गलती करता है तो उसमें क्या आपको जेल जाना चाहिए? अगर मैं उसमें सहयोगी हूँ तो मैं जेल जाऊंगा। आप मानते हैं गलती हुई थी? आप मानते हैं गलती हुई थी? आप मानते हैं जंतर मंतर पर गलती हुई थी? आप मानते हैं जंतर मंतर पर गलती हुई थी? एड्रेस बताइए अपना। आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है भाई साहब, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से क्यों आए थे? आप जैसे लोगों की बेटियां होंगी, जगह जेल में है, आपके परिवार थाने में है, 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम पता बताइए, पता बताइए जरा, 48 घंटे भेज के देख लो, पता बताइए जरा, आप कहाँ पर है, कहाँ मुँह छिपाए बैठे हैं, पता बता दीजिए, रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए, भागने से कुछ नहीं होगा। जब आज तक की एंकर ने पिंकी चौधरी से सवाल किया तो वे इल्जाम ओवैसी की पार्टी पर लगाने लगी और अपने आप को बचाते दिखाई दिए, पर एंकर ने ऐसा करने से रोक दिया और सही से जवाब देने को कहा। वो जो भी आए थे हमारे कार्यकर्ता थे, हमने बुलाए थे, और अगर नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। जब ओवैसी जैसे ये कहा था 15 मिनट के लिए, नहीं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम सभी हिंदू को समाप्त कर देंगे, ऐसे आदमी उसने परिपक्वता के होने के बाद ये बातें कही थी, आप उससे जवाब पूछो ना। ऐसा आदमी जो कहता है कि हिंदुओं को यहाँ से भारत से खत्म कर देंगे 15 मिनट के अंदर अंदर, उस आदमी से सवाल करो। आप वैसे बनना चाहते हैं,
वो उस तरह का बयान देंगे तो आप लोग भी इस तरह का बयान देंगे, वो भी जनता मंत्र पर। आपको पता है जनता मंत्र कहाँ है? कोई गलत बात नहीं कही, आप कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं कही गई है आपकी लोगों की ओर से। छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम देश और धर्म की बात करते हैं। आपने कभी कश्मीर की बात की? कश्मीर में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, लोग मारे गए, आज केरल में। आप समझ रहे हैं मामला कितना गंभीर है? सारे लोगों को आप ऑन कर रहे हैं कि मेरे लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की है। भाई हैं हमारे। मीडिया जिस तरह इस मुद्दे पर मुख्य संदिग्ध से तीखे सवाल कर रहा है, इसी तरह सरकार से भी उनकी गलत नीतियों पर सवाल करे तो शायद जनता की समस्याओं का कुछ हल निकल जाए। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.